हेलो फ्रेंड्स, गौरव बिजनेस क्लासेस के इस नए यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के। जो मैट्रिक्स मेरा चल रहा है अभी एक्सरसाइज 3.2, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए हुए थे और क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, सिंप्लीफाई कॉस थीटा, और ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और अपने अपने बुक से भी सही सही से देख लीजिएगा इस तरह से क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए मेरा क्वेश्चन नोट भी हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे सोल्व भी हो चुका है। इतना मैजिकली ट्रिक आप लोग पता होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो ये मैं पहले से ही सोल्व कर चुका था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब आपको मैं फटाफट बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 ही सोल्व किया हूँ और मैं अभी लाइव सॉल्व करने वाला हूँ। तो ये देखिए कॉस थीटा है और इसके अंदर में कॉस थीटा है, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा है, और फिर प्लस का चिन्ह है, और यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, यही ना दोस्तों क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक का है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3.2 का है। तो प्लीज़ आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी, क्योंकि ये मेरा सीरीज लगातार चलने वाला है। ये नहीं कि मैं एक दो वीडियो अपलोड करके छोड़ दूँ, क्योंकि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और आप लोग का ही हेल्प और सपोर्ट मिला तो मैं आगे बढ़ूंगा आप लोगों की सहायता से, और आप लोगों को भी बहुत ही हेल्प हो सके हमसे, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का, तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए कॉस थीटा, और यहाँ से है तो बाहर में जितने भी, सबसे पहले यहाँ देखना है इसको सिंप्लीफाई करना है, बोला है सिंप्लीफाई इतना का। तो कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, बाहर का जो कॉस थीटा गुणा में है ना और अंदर की जितने एलिमेंट्स है मैट्रिक्स का, तो उस सबसे हम इसको गुणा करेंगे। तो कॉस थीटा को इससे भी, फिर इससे 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 बारी बारी से जितने एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, बाहर वाले सबसे गुणा करेंगे। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा को साइन थीटा से गुणा करेगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, फिर कॉस को माइनस साइन से करेंगे तो कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस पहले लिख दिया है तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, फिर कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा तो होगा ही, और उसके बाद बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, साइन थीटा को साइन थीटा से तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा तो से तो माइनस को यहाँ पहले लिख लेते हैं तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ से साइन थीटा को कॉस थीटा से करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए आप लोग सही से। और उसके बाद यहाँ देखिए जब यहाँ पे हम गुणा करने के बाद सेकंड स्टेप मेरा ये होता है कि बीच में प्लस का चिन्ह है ना, तो इसको और इसको देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस का चिन्ह है तो प्लस, यहाँ पे प्लस होगा दोस्तों समझाते हैं आपको, प्लस और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस माइनस होगा ना, तो माइनस साइन थीटा इंटू प्लस माइनस माइनस होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ तो माइनस साइन थीटा, अब कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा दोनों से दोनों कट गया ना, मतलब सबट्रैक्ट हो गया या कट गया, ठीक है, फिर माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस है दोस्तों, ये माइनस है, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और फिर यहाँ पे ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, पढ़े ना हम लोग इलेवेंथ में भी पढ़े हैं, बहुत ज्यादा पढ़े हैं टेंथ में भी पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है इसका वैल्यू, और यही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन ये जीरो हो गया, फिर यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे वन हो गया। तो ये मेरा आंसर आ गया 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का। और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ, आप लोग क्वेश्चन अपने अपने नोटबुक से अपने अपने बुक से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक है, आप लोग जानते ही होंगे हर एक स्टूडेंट्स के पास एनसीईआरटी का बुक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का दो क्वेश्चन इसमें बोला है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 7025, यही ना 7025, एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7025, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3003, यही ना क्वेश्चन मेरा, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, और एक्स और वाई का मान हमको निकालने के लिए कहा जाता है। देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई है ना, तो इसको एक्स और वाई का मान निकाला तो थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ना, कैसे निकलेगा एक्स और वाई का मान इसमें, तो हम आसानी से निकालेंगे दोस्तों, आप लोग धैर्य बनाकर देखते रहिए और एकदम इजी सोल्व करने वाले हैं हम लोग, काफी भद्दा टाइप का क्वेश्चन ये हम लोग नहीं बनाने वाले हैं इसको। तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है ना, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले देखिए, एक्स प्लस वाई
एक्स प्लस वाई, ये गुणा की चीज नहीं दोस्त, एक्स प्लस वाई, और ये इसको हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर, सब्ट्रैक्ट नहीं, इसको ऐड ही कर देते हैं, ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बट ऐड करते हैं हम लोग पहले, तो ऐड करते हैं, प्लस का चिन्ह हो गया, इसको जोड़े एक्स प्लस वाई और इस वाले एक्स माइनस वाई, दोनों को हम जोड़ते हैं एक्स प्लस, देखते रहिए आसानी से समझ जाइएगा आप लोग, एक्स प्लस वाई या प्लस, और जब भी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं इस ऐसे जो होता है कोई भी इक्वेशन, तो हम इसमें कोष्ट दे देते हैं, और एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई और ऐड किए हैं तो प्लस एक्स माइनस, दोनों को ऐड किए हैं इज इक्वल टू, अब देखिए जब इसको इसको ऐड किया है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई को, एक्स एक्स को लिखते हैं पहले, एक्स प्लस वाई को लिखते हैं 7025 प्लस, ऐड किया है ना तो प्लस हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इसको इसको लिखना है तो इसका इसका जो इक्वेशन है उसको तो लिखना ही पड़ेगा हमको, 3003 हो गया। और देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो एक मिनट, एक्स प्लस एक्स, एक्स और प्लस कोष्ट से बाहर ही आएगा तो प्लस में ही ना रहेगा, था एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और प्लस वाई या माइनस वाई, ये तो मेरा कट गया, प्लस वाई और इसका प्लस माइनस माइनस ही होता है, कोष्ट से बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू देखिए 7 प्लस 3, 7 प्लस 3, 7 प्लस 7 प्लस 3 0 प्लस 0, आप लोग मेरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना जिस तरह ये है वो आप लोग को आ जाएगा, 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 और 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, तो इसको 2x इक्वल टू, इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखिए 2x इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 0, 2 प्लस 0 2 और 5 प्लस 3 8 हो गया, 2x इक्वल टू मेरा ये हो गया, तो अब तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे इसको, देखिए एक मिनट, तो 2x इक्वल टू इतना है ना, तो 2x इक्वल टू कितना है, टू यहाँ पे एक बार हम और लिख देते हैं 10028। अब ये देखिए x यहाँ पे रहेगा, x का मान हमको पहले x और y का मान निकाला था, x इक्वल टू यहाँ पे ये टू जो है यहाँ आएगा, तो x यहाँ पे आएगा तो ये नीचे में आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा x, और यहाँ पे 10028 हुआ। अब हम क्या करेंगे इस एक्स, 2x को यहाँ लाए थे 1/x, और 10 0 ये हो गया, अब यहाँ पे ही हम कर देते हैं, ठीक है x इज इक्वल टू, अब ये 1/2 है तो ये सब डिवाइड हो जाएगा ना, ये 2 जो है सबके नीचे डिवाइड हो जाएगा, बाहर वाले को बोले हैं ना बार बार बोलते आ रहे हैं कि नीचे इसको हर एलिमेंट जितने एलिमेंट्स हैं सबके नीचे डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10/2, 0/2 सॉरी दोस्तों 2/2 और 8/2, अभी जस्ट खाना खाया हूँ सो थोड़ा 10/2, तो x इज इक्वल टू देखिए 2/10/2 करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 0 1 4, x इक्वल टू इतना है ना आंसर दोस्तों, 5 0 1 4, 5 0 1 4 ये मेरा आंसर आ गया, तो x इक्वल टू तो हमारा निकल गया। और क्या हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस आया है तो सबसे पहले दोनों को ऐड किए, तो इसको इसको ऐड करके इस तरह से ऐड करके आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझ ही गए होंगे, तो 2x, अब यहाँ क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, अब एक्स का मान तो निकल गया, अब एक्स का मान इसमें पुट कर सकते हैं या इसमें पुट कर सकते हैं, किसी भी एक में पुट कर देंगे, चलिए हम पहले वाले में ही पुट करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू है 7025 है ना, तो एक्स का मान कितना निकला है, ये मेरा एक्स का मान यहाँ पे रख देता हूँ, तो एक्स का मान यहाँ पर रख देता हूँ, तो 5014 अभी जस्ट निकाल रहा हूँ एक्स का मान, तो एक्स प्लस वाई का मान सॉरी सॉरी दोस्तों ये कोई बात नहीं सॉरी वाई वाई है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स का मान वाई इज इक्वल टू 7025 है ना। अब क्या करते हैं हम इसको प्लस वाई जो है ना, ये तो प्लस वाई यहाँ पर रहेगा ही और ये अपने जगह पर रहेगा 7025, 7025 अपने जगह पर रहेगा, और इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में प्लस में है ना, तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5014, अब ये माइनस में आ गया तो वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 5 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 0 माइनस 0, 2 माइनस 1 और 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0 और 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 1 हो जाएगा।
2011 है ना दोस्तों, सही है। वाई का मान ये इस तरह से मेरा निकल गया। तो आप लोग को ये क्वेश्चन 7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब 7 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। ये क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2340 है, एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू मेरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू मेरा है 3x प्लस 2y, 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 1 5, यही ना है। और देखिए एक्स टू सेवन का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y एंड 3x प्लस 2y, और इसमें भी तो एक्स ही वाई का मान निकाला है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y है, तो हम इस तरह से करते हैं इसको। एक मिनट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2340 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 1 माइनस 1 5। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए हमें यहाँ से 2y और 3y, तो इसको भी नहीं काट सकते, एक ना एक को काटना ही। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टेंथ में भी बहुत ज़्यादा सारा पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बाइनोमियल में, तो 2x और 3x नहीं कर सकता है। तो हम क्या कर सकते, इस 3 वालों को इसमें इससे गुणा कर देते हैं और इस 2 वाले को इससे गुणा करते हैं। देखिए 3 से इसको गुणा कर देंगे, ये पहले वाले से हम लोग इसको इससे और इसको इससे करते हैं, इसको दोनों को बराबर पूरा करने के लिए, और इक्वल में आ जाता है तो आसानी से कर जाता है। 3 और 2 जो ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है वो मेरा प्रोसेस हो जाता है, और ये 3 से इसमें और 2 से इसमें करते हैं। इसमें नहीं दोस्तों, इस टोटल में, ये 3 से इस टोटल में हो जाएगा और ये 2 से इस पूरे में हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं, देखिए दोस्तों इस तरह से हम लोग करते हैं। तो 2 से करना है ना गुणा, 3 से करना है पहले वाले में, तो 2x प्लस 3 होते 3 2 6x, और फिर 3 3 + 3 3 9y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, और 3 3 को 0 से गुणा करेंगे 3, ये हो गया। और यहाँ पे 2 से इसको करेंगे तो 2 3 6x प्लस 2 2 4y इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 को 2 से 2 2 4, 2 को -2 से करेंगे -4, 2 को -1 से -2, और 2 5 10, इस तरह से हो जाएगा, हो गया ना। अब हम इसको इस तरह से करके, और ये देखिए प्लस और प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस, देखिए माइनस और प्लस 6x और 6x तो कट गया, और प्लस और माइनस, तो प्लस 9y में से 4y जाएगा तो कितना बचेगा, 5y बचेगा, 9y में से 4y जाएगा तो बचेगा ना कितना, 5y इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी प्लस और माइनस, तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है हमको। तो देखिए 6 माइनस 4, डायरेक्ट हम लोग 6 और 4, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 9 में 9 माइनस 4 9 माइनस, और यहाँ पे 9 प्लस, ये माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 माइनस 4, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 माइनस 4 और माइनस 4 तो पहले से, तो 9 प्लस 4 हो जाएगा तो 13 हो गया, 12 प्लस कितना हो जाएगा, 12 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, और 0 प्लस 10, 0 माइनस 10 माइनस 10 हो जाएगा दोस्तों। जैसे 5y इज इक्वल टू इतना निकला, तो 5y इज इक्वल टू इतना है, तो y इक्वल टू हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये 5 नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो इस सबसे टोटल में डिवाइड होगा, तो 2/5, 2/5, ये y इक्वल टू 5 नीचे आएगा इस टोटल लिमिट्स के नीचे, तब 13/5, 14/5 और -10/5। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5 को 2 से काट देंगे और उसके बाद कोई कटने वाला नहीं है, तो हम y इज इक्वल टू मेरा 2/5, 13/5, और उसके बाद क्या है 14/5 और -2/5, देखते हैं एक मिनट आंसर। ये मेरा आंसर y इज इक्वल टू इतना आ गया, y इज इक्वल टू 2/5 y = 2/5, 13/5, 14/5 और -2/5, ये मेरा -2/5, सॉरी दोस्तों -2 हो जाएगा, यहाँ पे -5 को 2 से काट दिए ना, तो -2 हो जाएगा, तो ये मेरा y = 2 आ गया। जब y = 2 मेरा आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस वाले जो है ना y = 2 मेरा आ गया, तो इसमें या इसमें किसी x में y का मान पुट करेंगे, उसके बाद में अपना जो प्रोसेस है उसके करके वो x का मान निकालेंगे। 2x + 4 क्या है, तो हम इसमें 2x + 3y इज इक्वल टू
2340 यही ना है, यह है 2x+3 वाई, हम इसी में पुट करते हैं वाई का मान। तो हम क्या करेंगे, 2x+3 और वाई का मान निकला है ना, तो वाई का मान हम आसानी से यहाँ पुट कर देते हैं, 2x+3 और वाई इसके गुना में है ना, तो वाई गुना में 3 और वाई का मान गुना में रखेगा, तो यहाँ पर 2/5 और 13/5, 14/5 और -2, यही ना है वाई का मान निकला है अभी जस्ट, और 2340। देखिए कितना बारीकी से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। 2x+3 को 2 से, अब ये गुना में है ना, 3 गुना में है इस एलिमेंट्स के, तो हम जितने एलिमेंट्स हैं ना 3 से गुना करेंगे, तो 3 को 2 से गुना कर देते हैं, 3 2 6/5, 6/5, 3 13 को 3 से गुना करते हैं, 13 3 क्या हो जाएगा 39, 39/5, फिर इसको करेंगे तो 43 42/5 और 3 2 -6 ये हो गया इज इक्वल टू 2340, 2340 हो गया। अब इसको 2x इज इक्वल टू, 2x को यहाँ पे अपने जगह पे रहने देते हैं, इज इक्वल टू कर देते हैं और इसको इस साइड ले जाएंगे, तो ये पहले, ये तो पहले अपने जगह पे रहेगा ही, 2340 2340, और ये प्लस में है तो इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6/5, 39/5, सॉरी 42/5 और -6, ये ना है। अब ये देखिए, ये सब्ट्रैक्ट ये मतलब इसको घटाना है, घटाओ का माइनस का चिन्ह है तो इसको इसको घटाना है, 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 2 और माइनस है तो माइनस, और कितना है ये 6/5 है, 6/5, 3 -39/5, 3 -39/5, 4 -24 42/5, 4 -42/5, और 0 माइनस और -6 तो 0+6 ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है दोस्तों, 0+6 हो जाएगा यहाँ पे, 6 0+6 हो जाएगा ना। अब इस वाले पेज में हम लोग फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन, देखिए 2x इज इक्वल टू, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको बटा पर के जोड़ करेंगे, 2 2 -6/5 है तो 5 5 2 10, 10 -6 तो 4/5 हो जाएगा, 4/5, 5 2 10, 10 -6, 10 -6 4/5, और 5 3 15, 50 -39 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 -39 हो जाएगा कितना 24, एक मिनट, हाँ 24/5 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 5 4 20 बट्टा में ये सब बट्टा में दोस्तों, तो 5 4 20 20 -42 तो कितना हो जाएगा -22, एक मिनट यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे छोटा इससे छोटा ये है, -15 -39 तो ये माइनस, और यहाँ पे भी 5 4 20 और 20 -42 तो 20 -42 तो माइनस में हो जाएगा, -22/5, और यहाँ पे 0+6 तो रहेगा ही, तो और यहाँ से देखा अब 2x इज इक्वल टू ये हो गया, तो x इज इक्वल टू ये 2 नीचे आएगा तो सबके नीचे ये हो जाएगा, तो 4/5 सबके नीचे हो जाएगा, 4/5 × 10 बट्टा में हम डायरेक्ट 5 2 10 लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखेंगे अभी, और -24/5 × 2 बट्टा में, सबके बट्टा में हो जाएगा ना ये 2 नीचे आएगा, और -20 22/5 × 2 ये 2 सबके नीचे लिखा रहा है, और 6/2 तो 2 को 3 से करेंगे, ये 2 को माइनस, 2 को कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, फिर इस 2 को 2 से और इस 2 को -11 से करेंगे, और यहाँ पे नोट कर देते हैं अपना x का मान मेरा निकल गया, x इक्वल टू कितना हो गया 2 -12 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 -12/5 2/5 -12/5 और ये -11/5 -11/5 और 2 3 6 3, ये मेरा आंसर आ गया, y x इक्वल टू मेरा ये आंसर आ गया दोस्तों, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 7 8 8 हम लोग फटाफट कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, और क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 ये है, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड x इफ y इक्वल टू 3 2 1 4 एंड 2x माइनस y 12
2x माइनस वन नहीं है दोस्तों, 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, तो आप लोग अपने अपने बुक से देख लीजिएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 है दोस्तों, ये एक्सरसाइज 3.2 है मेरा। तो क्वेश्चन नंबर हम अपना 8 क्या कर फाइंड एक्स, फाइंड क्या बोला है, एक्स सिर्फ एक्स का मान ही इसमें निकालने के लिए बोला है। तो वाई इक्वल टू कितना है, 3 2 1 4, वाई इक्वल टू 3 2 1 4 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, यही ना है मेरा x इक्वल वाई इक्वल टू इतना है और x इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू ये है। तो मेरा ये इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह से, और सिर्फ यहाँ पे x का मान निकालने के लिए बोला है। तो दोस्तों y इक्वल टू ये मेरा दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू ये है, तो 2x प्लस और y है ना, ये y के जगह पर, तो y का मान तो मेरा पहले से ही इस बुक में दिया ही हुआ है, तो y का मान हम डायरेक्ट इस y की जगह पे रख सकते हैं। तो y का मान हम यहाँ पे 3 2 1 4 2x प्लस वाई, तो y यहाँ पे है ना, y का मान बुक में दिया हुआ था 3 2 1 4 इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2, माइनस 3 2 हो गया, इज इक्वल टू में है 1 0 माइनस 3 2। अब 2x इज इक्वल टू 2x, x का मान निकालना है तो 2x को यहाँ पे रहने देते हैं, और ये अपने जगह पे रहेगा 1 0 माइनस 3 2, और ये प्लस का चिन्ह इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3 2 1 4। अब इस तरह से हो गया, अब 2x इक्वल टू आप लोगों को ऐड सब्ट्रैक्ट, तो आप लोगों का ये खेल बन चुका है, 1 माइनस 3 तो माइनस 2 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं इसमें 1 माइनस 3 तो माइनस 2, 0 माइनस 2 तो माइनस 2, और माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 दोस्तों माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 और 2 माइनस 4 तो माइनस 2, 2 माइनस 4 जाएगा, 2 माइनस 4 है तो 2 छोटा है इससे तो माइनस में ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 2x इक्वल टू इतना है ना, तो ये x को x इक्वल टू सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल टू, अब ये 2 तो नीचे आ जाएगा, ये 2 जब इस साइड आएगा तो ये सब एलिमेंट इसके नीचे आ जाएगा ना, तो माइनस टू बाई टू माइनस 4 बाई 2 और -2/2, यही ना है मेरा। तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कर जाएगा -1 मरतबा या 2 2 या -2 और 2 माइनस, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया मेरा, x इक्वल टू -1 -1 -2 -1, यही ना मेरा आंसर, -1 -1 -2 -1। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 समझ में आ गया होगा, और आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। तो इसी तरह से हम लोग प्रतिदिन 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.2 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो फिर मैं कल करूंगा। और तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं अपना ये क्वेश्चन अपलोड करूँ तब आपके पास ये सबसे पहले पहुँच सके और आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो थैंक यू दोस्तों।